हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और उसी पंच तत्व में आखिरी में मिल जाता है। उन पंच तत्वों में से एक तत्व का नाम है मिट्टी। वेलकम टू रीना व्यास चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए गर्मी में किस तरह से आपको अपने आप को तरोताजा रख सकते हैं और अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को ठंडा रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जलन या दूसरी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जिसके पैरों के तलवे में जलन हो रही हो, या पेट में जलन हो रही, या आँखों में जलन हो रही। तो आज सभी का मैं कुदरती इलाज लेकर आई हूँ, नेचुरल ट्रीटमेंट लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही ईजी है और आपके आसपास ही आपको इजीली मिल जाएगा। मिट्टी, मिट्टी जैसी कुदरती ठंडक और किसी भी चीज़ में नहीं है। बहुत सारे रोगों के लिए मिट्टी का उपचार किया जाता है, मिट्टी का लेप लगाया जाता है। मिट्टी आपके स्किन के रोम छिद्रों को खोलती है और उसमें से टॉक्सिन्स को, जो विषैले तत्व होते हैं, उसको बाहर निकालती है। आधुनिक युग में इस मिट्टी को मड पैक के नाम से जाना जाता है। मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल भी स्किन को नेचुरल ठंडक देता है। दूसरा नेचुरल ठंडक देने वाली चीज़ है मेहंदी। हाँ दोस्तों, अगर आपके पैरों में जलन है, तलवों में, इस गर्मी के सीज़न में बहुत लोगों के तलवों में जलन होती है, अगर आपके पैरों के तलवों में जलन है तो आप मेहंदी लगा लीजिए। मेहंदी को पानी में गला के और उसका पैक आप पैरों में लगा दीजिए और सूखने के बाद उसको निकाल दीजिए। मेहंदी आपके पैरों में जो भी जलन होगी, जो भी गर्मी होगी, उसको बाहर निकालता है और आपकी स्किन को ठंडक देती है। उसके अलावा हम सब्जी ले लेते हैं, तो सब्जी में आता है लौकी। लौकी को कीस के और उसका तेल, उसको तेल के अंदर उकाल के उसका ऑयल बना ले, उसको सिर में मसाज करने से भी आपके सिर में ठंडक मिलती है। उसके अलावा अगर आपको उसका ऑयल नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी लौकी को कीस के उसका पैक बना के उसको अगर सिर में लगा लेते हैं तो आपको उससे ठंडक मिलती है। मिट्टी भी आप मिट्टी की पट्टी बना के उसको भी आप सिर में लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी की पट्टी बना के उसको भी आप सिर में लगा सकते हैं, उससे भी आपके सिर को ठंडक मिलेगी। इसके अलावा हम ले सकते हैं दूध। अगर आपके पैरों में जलन है, बॉडी में जलन है, तो आप दूध की आइस क्यूब बना लें। आइस क्यूब बनाने के बाद में उस आइस क्यूब को आपको अपने तलवों पर मसाज करना है। तलवों पर अच्छी तरह से मसाज करने के बाद में आपके तलवों की जलन भी दूर होगी, साथ साथ में उसमें ठंडक भी आने लग जाएगी। और इसके रेगुलर यूज से आपके तलवों में जो भी जलन है, आपकी बॉडी में जलन है, वो भी दूर हो जाएगी। देखा आपने किस तरह से मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, दूध, इन सब चीज़ों से हम शरीर की गर्मी को निकालने का प्रयास करते हैं और ये बहुत हद तक सफल भी होता है, क्योंकि ये कुदरती चीज़ें हैं। इसमें किसी भी तरह का रसायन नहीं होता है, ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इन चीज़ों का आप यूज़ ज़रूर करें। मिट्टी का पैक किस तरह से बनाना है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके अलावा मेरे दूसरे वीडियो के भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की नेचुरल चीज़ें लेके आपके पास में आती हूँ, इसी तरह के नेचुरल पैक, हर्बल पैक और आयुर्वेद से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अभी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब।